गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिलहाल अभी शाम का 6 बजने वाला है, अभी 6 नहीं बजा है, 6 बजने में आधे घंटे हैं, सॉरी 5:30 बज रहा है। तो आज अंकित भी बैंक से आ गया है, अभी हमारी शाम की चाय बन रही है। अंकित चाय नहीं पीता, वो बैंक से आने के बाद नींबू पानी लेता है, तो उसके लिए नींबू पानी और हम अपने मम्मी और सुमित के लिए हम लोग चाय बनाते हैं। तो फिलहाल आज शाम की चाय मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं सो रही थी और मैंने एक्चुअली दोपहर में आज भी मैंने मेहंदी लगाई थी, करीब वही 3:30-4 बजे के आसपास। तो मेहंदी लगाने के बाद सर में इतना ठंडा, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मुझे नींद आ गई, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो फिलहाल मैं बालों में मेहंदी 1-1.5 घंटे ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती, नहीं तो बाल ख़राब हो जाते हैं। तो सो के उठने के बाद फिलहाल मैं अपने बालों को वॉश करने के लिए चली गई थी। तो फिलहाल आज की चाय मम्मी बना रही हैं, और चाय बनाने के बाद अभी भी फिलहाल हम लोग लेते हैं शाम की चाय का मज़ा, क्योंकि अगर मैं सो के उठती हूँ मुझे चाय नहीं मिलती ना, तो मेरा सर अजीब सा घूमने लगता है, हैवी सा लगता है। तो चलिए फिलहाल चल के अभी चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद आज बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में बन रही है कटहल की सब्ज़ी। इस गर्मी के सीज़न में पहली बार बन रही है, तो मम्मी कटहल की सब्ज़ी बना रही हैं, और मुझे तो कटहल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो सूखी सब्ज़ी हो कटहल की, या ग्रेवी वाली हो, या उसके पकौड़े हो, कटहल की मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। और मम्मी ख़ासतौर से कटहल के कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हैं। नेक्स्ट टाइम वो जब भी कटहल के कोफ्ते बनाएंगी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ में दिखाऊंगी भी कि मम्मी ने कटहल के कोफ्ते कैसे बनाए। अभी चाय के साथ साथ कटहल की सब्ज़ी बनने की भी तैयारी हो रही है। तो मम्मी ने कटहल मॉर्निंग में लिया था, सब्ज़ी सारी मॉर्निंग में ली थी मम्मी ने, तो धुल के साफ करके रख ली थी, और कटहल को मॉर्निंग में ही छील के रख लिया था। एक्चुअली कटहल की सब्ज़ी तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कटहल को छीलने में जो मेहनत और जो टाइम लगती है, उससे तो भगवान बचाए। फिलहाल मेरे से तो कटहल नहीं छीला जाता। अब मैं कभी जैसे पुणे में थी या अकेले पड़ गई, मम्मी नहीं रहती, तो मैं कटहल लाती भी हूँ ना, तो मैं सब्ज़ी वाले भैया से ही छिलवा लेती हूँ कि आप कटहल मुझे छील के दे दो, ताकि छीलने का झाम न रहे। तो फिलहाल अभी कटहल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी चल रही है, मम्मी ने मसाला वगैरह सारा रेडी कर लिया है, तो मम्मी अभी कटहल छौंक रही हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल गजब ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए, आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में बन रही है कटहल की सब्ज़ी। आज मॉर्निंग में ही मम्मी सब्ज़ी लेके आई बहुत सारी, तो मम्मी उसमें कटहल भी लेके आई, क्योंकि हम लोगों को कटहल भी बहुत पसंद है। सुमित को हाँ थोड़ा कम पसंद है, बट हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने कटहल को बॉईल करके रख लिया है, आधा मम्मी ऐसे ग्रेवी वाला बनाने वाली हैं, और आधे के शायद मम्मी पकौड़े बनाएंगी, और जो सूखी सब्ज़ी बनती है सब मसालेदार, मम्मी वो बनाने वाली हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बन रही है कटहल की सब्ज़ी, मम्मी सब्ज़ी बना देंगी, उसके बाद फिर मैं रोटी और चावल बनाऊँगी। तो फिलहाल मम्मी का मसाला वगैरह सारा रेडी हो चुका है, ये छौंकने के लिए यहाँ पर प्याज रखा हुआ है, और ये देखिए आधा कटहल मम्मी ने बॉयल करके इधर रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं सुमित के पास। अंकित बाहर है, क्या हुआ? तो फिलहाल अभी हम अपने किचन में आ चुके हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ कटहल की ग्रेवी वाली सब्जी बनने की ही तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक से अंकित का मूड हो गया है कटहल के पकौड़े खाने का आज ही। तो फिलहाल अभी मम्मी तो सब्जी बना रही है, और मैं कटहल के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मी ने बताया कि कटहल के पकौड़ों के लिए अभी थोड़े से चावल भिगो देते हैं, ताजे वाले, ताजे वाले। तो चावल के पकौड़ों में पहले से चावल के पेस्ट को पीस के मिलाएंगे, जिससे पकौड़े बढ़िया खुशबूदार और क्रंची रहेंगे। तो फिलहाल चलिए अभी चावल भिगो देते हैं, उसके बाद और भी तैयारी कर लेते हैं पकौड़े बनाने की। प्याज लहसुन सब नहीं, प्याज तो पड़ेगा उसमें कटहल के पकौड़े डालने के लिए। अच्छा, प्याज लहसुन हरी मिर्ची सब काट के रखना है? अच्छा, काट के पीसना है। तो चलिए फिलहाल गाइस मुझे नया काम कर
करने के लिए मिल गया है। प्याज लहसुन हरी मिर्च सब छील के पीस के मम्मी को देना है, तो चलिए मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। फिलहाल मम्मी अभी पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हैं। चलिए मैं अभी फटाफट, जब तक मम्मी पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हैं, मैं फटाफट आटा गूंथ के रख देती हूँ, क्योंकि फिर पकौड़े वगैरह खाने के बाद रोटियाँ फटाफट बनानी पड़ेंगी। तो मैं फटाफट आटा गूंथ के रख देती हूँ और पकौड़े में मिलाने वाला जो मसाला है, प्याज हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट है, वो बनाकर रख देती हूँ फटाफट। ये देखिए हमारे कटहल के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। मम्मी ने इतनी गर्मी में पसीना बहा बहा कर इतनी मेहनत करके सबके लिए एक गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े बनाए हैं। अभी अंकित खा चुका है, मैं और मम्मी खाने के लिए बैठे हैं। सुमित थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे, क्योंकि सुमित को बिल्कुल गर्म गर्म खाना पसंद नहीं है। और जैसे लग रहा है मछली खा रहा है। ऑसम बने, ऑसम, बहुत अच्छे। कुरकुरा बना गया है, थोड़ा सा चावल कुटके दिए। समझो कि आप मेरे को पहले बिना पानी चलाओ, थोड़ा सा पानी डालो, फिर थोड़ा सा पानी डालो, फिर डालो। काफ़ी दिनों बात कर रहे हैं कि पकौड़े खा भी रहे हैं। आपने कब कानपुर में वो बनाए थे ना, कटहल के कोफ्ते, अच्छे लगते? सीजन में पहली बार आए। बहुत बढ़िया पकौड़े बने और बहुत दिनों के बाद भी खाने को मिल रहे हैं। दे दे दे। रियली बहुत अच्छे पकौड़े बने, ऑसम बने। मन कर रहा है मैं सारे खा जाऊँ। खा लो, देख मैं सुमित को थोड़ा सा गरम खाना, पहले तो सुमित गरम खा भी लेते थे, लेकिन जब से अभी इस बार का पैर का ऑपरेशन हुआ है तो सुमित की काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। पहले हल्का फुल्का गरम खा लेते थे, अभी बिल्कुल भी गरम खाना पसंद नहीं करते हैं। खाना हो या पकौड़े कुछ भी हो, बिल्कुल ठंडा चाहिए। तीखी चीज़ें नहीं खा पाते, पहले तो तीखा चटपटा अच्छे से खा लेते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे बिल्कुल तीखा नहीं खा पाते हैं, तीखा खाना पसंद ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सादा खाना होना चाहिए। और पहले चाय कितनी ज़्यादा पीते थे दिन भर में, अब तो फिलहाल मुश्किल से दिन में दो बार ही चाय पीते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो तीसरी बार अगर बन गई तो ले ली, अदरवाइज अपने मन से नहीं बनाते। तो फिलहाल इस बार ऑपरेशन के बाद सुमित में काफ़ी बदलाव आया है और सुमित की काफ़ी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं खाने पीने को लेकर। तो फिलहाल अभी आपसे बातें करते करते मेरे भी पकौड़े ख़त्म हो गए हैं। अभी दो रखे हैं मैंने सुमित के लिए कि जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब खा लेना। तो चलिए मैं भी पकौड़ों का मज़ा लेती हूँ। पकौड़े खा लेते हैं, उसके बाद मुझे अभी सुमित के लिए रोटियाँ भी बनानी हैं, क्योंकि मेरा मम्मी का तो पकौड़े खा के ही हो जाएगा, पेट भर जाएगा, इनकी फिर अंदर से रोटी खाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। बट सुमित थोड़ा ये ऑयली चीज़ें कम पसंद करते हैं, तो सुमित को तो खाना ही चाहिए प्रॉपर, तो सुमित के लिए मुझे रोटियां सेकनी ही पड़ेंगी। तो चलिए फिलहाल फटाफट मैं गर्मा गर्म पकौड़े खा के उसके बाद फिर अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, 9 बजने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
सो गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।